गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास 11. सो लेट्स कंटिन्यू द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेस स्पेशली इन दिस लाइन द वॉइस ऑफ द रेन द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज बाय द पोइट इज पर्सोनिफिकेशन. सो लॉट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस आर देयर बट स्पेशली इज इन दिस पोएम द पोइट यूज पर्सोनिफिकेशन. और पर्सोनिफिकेशन मीन्स नॉन लिविंग थिंग कंपेयर टू ह्यूमन बींग. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉन लिविंग हो उसको कंपेयर कर दो लिविंग से. यानी कि अब रेन बात तो नहीं करती लेकिन पोइट ने उसको कंपेयर कर दिया कि बात कर रही है, तो इट मीन्स इसको लाइव कर दिया. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन. इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, मानव से के साथ जोड़ देना. सो इन दिस पोएम इट इज़ द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन. सिमिली क्या होती है, देयर इज़ यूज ऑफ लाइक राइट एलिट्रेशन रिपीटेड ऑफ अल्फाबेट. रिपीटेशन मीन्स रिपीट द वर्ड. रिफ्रेन रिपीट द सेंटेंस. So these are the figure of speech. So let's see the summary or introduction of the poem. The poet questioned the soft falling shower. Shower means rain. About his identity. So in this poem, the poet questioning to the rain about its identity. जैसे कि poet poem से rain से उसकी identity के बारे में पूछ रहा है. He is asking. He asked, "Who it is? कौन हो तुम?" Surprisingly, यानी आश्चर्यचकित होकर the shower replies and introduces itself. अब देखिए the shower यानी rain replies. Rain ने answer भी दे दिया. And introduces itself. और वो क्या बताती है? The voice of the rain. मैं क्या हूँ? Voice आवाज of the rain. The voice of the rain says it is the poetry of her. द वॉइस ऑफ द रेन. रेन की आवाज़ निकालती है. इट इज़ अ पोइट्री ऑफ अर्थ. मैं तो धरती की कविता हूँ. राइट. सो इन द फर्स्ट लाइन पोइट आस्क द इंट्रोडक्शन और आइडेंटिटी टू द रेन जो कि शारिंग जो गिर रही है. एंड रेन सरप्राइजिंग गिव आंसर टू द नरेटर टू द पोइट दैट शी इज द पोइट्री ऑफ अर्थ. शी इज इमॉर्टल. इमॉर्टल मीन्स नेवर एंडिंग. मैं तो अमर हूँ. एंड हैज नो एंड. एंड रेन हैज नो एंड. जैसे कि आप जानते हैं रेन इज रिसाइकल एवरी टाइम. देयर इज नो एंड. बारिश का कभी अंत नहीं है. अब जैसे सीजन चल रहा है देयर इज अ सीजन ऑफ रेनिंग. आपने देखा होगा व्हेन देयर इज लॉट्स ऑफ हीट. तो हीट से क्या होता है द ओशन और फ्रॉम द रिवर द वाटर गोज अपवर्ड इन द स्काई एंड चेंज द फॉर्म. आपने सभी पढ़ा होगा दिस इज द वेपराइजेशन सिस्टम. पढ़ा है वाटर साइकिल क्या है. वेपराइजेशन यानी कि पानी भाप बनेगा ऊपर जाएगा वहाँ बादल बनेंगे देन विल बी अ रेन अगेन. तो इट इज़ रिसाइकल क्योंकि इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि ये बार बार यही प्रोसेस होता रहता है. सो द रेन सेज इट इज़ द पोइट्री फॉर शी इज इमोर्टल यानी मैं कभी मरती नहीं हूँ. एंड हैज़ नो एंड इसका कोई अंत भी नहीं है. शी राइजेज देखिए कहाँ से उठती है. आउट ऑफ लैंड दिस इज द ओरिजिन फ्रॉम द अर्थ. मेरा जन्म भी पृथ्वी से ही होता है. तो शी राइजेज आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी. सी क्योंकि देर इज़ नो बॉटम क्योंकि समुद्र का कोई तला नहीं होता इसलिए वो कहती है कि शी राइजेज आउट ऑफ लैंड. जो बारिश है वो लैंड धरती से उठती है यानी धरती से कहाँ से समुद्र रिवर से. एंड द बॉटमलेस सी एंड रीचेस टू द ब्लू स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर और भाप के फॉर्म में ऊपर पहुँचती है. एंड देन चेंज द फॉर्म इट इज़ सॉलिड और वहाँ जाके ऊपर सॉलिड बन जाती है लाइक अ क्लाउड एंड देन कम्स डाउन और नीचे आती है. तो दिस इज द रिसाइकल ऑफ द रेन. थैंक यू गाइस.